स्वागत है मेरे चैनल दिव्यांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हैप्पी फर्स्ट नवरात्रि गाइस। नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि आज से शुरू हो गए हैं, तो आप सभी को नवरात्रों की खूब 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 सारी बधाई। माता रानी आपको खूब सारा प्यार करे, आपकी फैमिली में सबके लाइफ अच्छी रहे, आपको खूब सारा आशीर्वाद दे। मैं बस यही विश करती हूँ अपनी पहली नवरात्रि आप सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करें। आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले गाइस, ये स्टोरी ऐसी थी, मतलब हम ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स पे आ चुके हैं। आपको पता चल रहा है धीरे धीरे सारे विलन्स मर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अब इसके ज़्यादा पार्ट नहीं बचे हैं। मुश्किल से शायद 23 या 24 में मैं कंप्लीट कर दूंगी, मतलब दो पार्ट और आगे या एक पार्ट और आगे आएगा, तो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सबको शायद ये स्टोरी और लंबी सुननी थी, पर इससे लंबी नहीं है। मेरी स्टोरीज ऐसे ही होती है, जहाँ तक मुझे लगता है उसे मुझे खींचना चाहिए मैं वहीं तक खींचती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं खींच पाती, तो आज से शायद दो पार्ट और आएंगे और ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। चले आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वोंगुई का सच सबके सामने आ गया। वोंगुई को जबरदस्ती पकड़ के जब लैंडक्लैन लाया गया तो वो इतना डर गई उस मौत से जो उसे लैंडक्लैन देगा कि वो खुद विंग कहाँ है उन्हें बताने के लिए, मदद करने के लिए आगे के लिए बोलती है, जिसे सुन के यहाँ खड़े सब लोग शॉक हैं। कहीं ना कहीं विंग की डेथ की खबर न्यानली को भी पता चली थी, शायद इसी कारण वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, और जॉइंट फैमिली भी शायद इसी कारण दौड़ के आए थे क्योंकि उन्हें भी लगा था कि अब अभी इस विंग इस दुनिया में नहीं रहा, और अब भी अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो उनसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान कोई दुनिया में नहीं होगा, इसलिए वो खुद आगे आके आए थे। जब सब लोग सुनते हैं कि विंग जिंदा है और ये विंग कहाँ है बता सकती है, तो उन लोगों को जिनको अब तक पता ही नहीं था विंग जिंदा है, उन लोगों की आंखों में भी होप आ जाती है, जैसे कि यानली, जैन फेमिया और निंजे और न्यूसेन, वो लोग भी अब वोंगुई को देख रहे हैं। पर वोंगुई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता, वो सीधा तलवार लेके अब वोंगुई के गले पे रख देता है और बोलता है तो बताओ विंग कहाँ है। ये बात सुनते ही वोंगुई और डर से कांपने लगती है। वोंगुई का ऑरा बहुत खतरनाक है। वोंगुई को लगा था वो एक्सचेंज कर सकती है, पर अब उसे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो डर के सबको बताती है कि विंग प्योर माउंटेन में है। जब विंग की डेथ हुई थी उसी समय उसे पता चल गया था, न तभी खबर आई थी कि विंग की डेथ हुई है कि विंग मरा नहीं है। उसके पास डार्क स्पेल तो था ही, और उसे पता था कि विंग जिंदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वांगजी से बॉन्ड बनाना चाहती थी, तो उसके लिए विंग के वांगजी का बॉन्ड टूटने भी तो चाहिए, यानी विंग का सच्ची में मरना भी तो चाहिए, जो नहीं हुआ था उसे पता चला। इसी कारण उसे ये भी पता है कि इस समय वेंचिंग ने विंग को कहाँ छुपा रखा है। ये सब लोग ये बात सुन के उस तरफ दौड़ पड़ते हैं जहाँ पे वोंगुई ने अब विंग कहाँ है बताया है। वोंगुई को तुरंत लैंड कुरैन के भरोसे, लैंड क्लैन के बाकी सीनियर्स एल्डर्स के भरोसे छोड़ दिया गया है, ताकि वो लोग इसको खुद पनिश करें, इसे देख ले, क्योंकि अब इसकी पावर्स को पूरी तरह से लॉक नीम इंजे कर चुके हैं, तो ये अपनी पावर तो यूज़ कर ही नहीं सकती। और लैंड क्लैन के सीनियर्स एल्डर्स और कुरैन भी कोई कमज़ोर तो है नहीं, वो आराम से इसे संभाल सकते हैं, वो इसलिए वो तुरंत इन लोगों को जाने के लिए बोलते हैं। वहीं वांगजी यहाँ से बिरुल माउंटेन की तरफ बढ़ तो रहे, लेकिन बिरुल माउंटेन में कितनी नेगेटिविटी है ये चीज़ फील करके उसका दिल और घबरा रहा है, क्योंकि उसे तो यही पता है ना कि उसकी विंग के पास उसकी गोल्डन कोर भी नहीं है, क्योंकि वांगजी को उसने दे दी उसका विंग, उसके लिए इतना कमज़ोर हो गया, और इस कमज़ोरी में उसकी प्रेगनेंसी में उसके बेबी के साथ कहाँ कितनी नेगेटिव जगह पहुँच गया, ये सोच के उसका दिल बहुत ज़्यादा दुख में डूबा हुआ है। उसे तो कुछ नहीं सूझा, वो तो सबसे आगे अपनी बेचैन पे राइड करता हुआ सीधा ब्रेन माउंटेन के पास आके रुकता है। वो यहाँ इसलिए रुका है क्योंकि वो इससे आगे जा ही नहीं पा रहा है, उसकी बीचेन इससे आगे फ्लाई ही नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, वो खुद भी पैदल चलने की भी कोशिश कर रहा है तो कोई स्ट्रॉन्ग पावर उसे धकेल के पीछे फेंक रही है। ये देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आता है, बाकी सब लोग जो वांगजी के पीछे थे वो भी ये देखकर शॉक है, जैसे पूरे ब्रेन माउंटेन को एक इनविजिबल वॉल ने कवर करा हुआ है, उस वॉल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, किसी डार्क स्पेल के थ्रू ये किया गया है। ये देखकर वो लोग शॉक है, वेंचिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई वो समझ नहीं पाए, कहीं ना कहीं वो जानते नहीं है ना कि वेंचिंग के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क पावर है जो ये सब कर रही है। कहीं ना कहीं वो लोग अभी उस डार्क पावर्स के बारे में तैयार नहीं है, जानते नहीं है, तो वो बार बार नॉर्मल ही उसमें एंट्री करने की कोशिश करें लेकिन कर नहीं पा रहे। वहीं दूसरी तरफ चलिए अब विंग के पास पहुँचते हैं। जिस समय वांगजी को होश आया था उसी समय विंग को भी होश आ गया, और आँख खुलते ही वो अपनी सराउंडिंग को देख के पूरी तरह से शॉक हो गया। उसे अपने सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा डार्क ऑरा फील हो रहा है, उसकी बॉडी भी उसे इंडिकेशन दे रही है कि उसकी सराउंडिंग में कुछ रिस्क है, कोई डार्क एनर्जी है। कहीं ना कहीं वो इतनी खतरनाक जगह कैसे पहुँच गया उसे समझ नहीं आता है।
वो अचानक से अपनी सराउंडिंग को देखता है तो देखते हैं कि वो पूरी तरह से एक अलग घर में है, जो एक तरह से केव को काट के बनाया गया है। इतना ही नहीं, वो इस समय जिस बेड पे है वो बेड भी एक स्टोन से बनाया गया है। ये देखकर वो शॉक है, ऐसी जगह वो कैसे पहुंच गया। जितना उसे याद है वो तो उस समय वॉर जोन में था, उस टेंट में था, तो वहाँ से सीधा इस वॉल वाली जगह मतलब केव में वो खुद को देखकर थोड़ा डर गया। लेकिन वो अपने आप को काम रखता है, विंग बहुत स्ट्रांग वॉरियर है और बहुत टाइम से बड़े बड़े खतरों से जानता है। वो इस समय कुछ एकदम से बिना कुछ मतलब सिचुएशन को समझे, बिना कुछ सराउंडिंग को समझे कुछ बोलना या कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वो जानना चाहता है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। वो ये सोच ही रहा था जब अचानक से वेंची अपने हाथ में कुछ हर्ब्स और कुछ लेकर रूम उस केव में एंट्री करती है और खुश होकर बोलती है, तुम्हें होश आ गया ओमेगा। और ये बोल के वो दौड़ती हुई विंग के पास आ जाती है और बहुत प्यार से विंग को देखने लगती है। विंग वेंची के मुँह से ओमेगा सुन के पहले ही शौक था, पर अब वो वेंचिंग की इस अजीब सी नज़रों को देखकर थोड़ा शॉकिंगली वेंचिंग को देख रहा है और जैसे समझने की कोशिश कर रहा है कि वेंचिंग ने उसे ओमेगा क्यों बोला, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। विंग के ऊपर वो डार्क स्पेल जो वेंचिंग ने यूज़ किया था कि वो सब कुछ भूल जाए, वो काम ही नहीं करता है। शायद वेंचिंग को आइडिया नहीं था कि सिर्फ विंग ही नहीं है जिसने को वांगजी ने मार्क्ड किया था, कि वांगजी भी एक मार्क्ड अल्फा है। विंग ने ऑलरेडी अपने अल्फा को अपना क्लेम करा हुआ है और जिसके कारण उन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। वेंचिंग का ये डार्क स्पेल उस बॉन्ड की वजह से विंग के ऊपर वर्क करता ही नहीं है। विंग को सब याद है, उसे ये भी याद है कि वो उस वॉर जोन में था, कैसे वेंचिंग ने उसका ऑपरेशन करने की कोशिश की थी। पर विंग अब शॉकिंगली वेंचिंग को ही देख रहा था। वेंचिंग को लगता है कि शायद उसका स्पेल विंग पे काम कर चुका होगा, इसलिए वो अब एकदम से बोलती है, मुझे माफ़ कर दो मेरे ओमेगा, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई, मैं बाहर बिजी हो गई और तुम्हारे ऊपर अचानक से किसी फीरर कॉप्स ने अटैक कर दिया जिसके कारण तुम यहाँ आ गए। अचानक से विंग जब सुनता है कि वेंचिंग क्या बोल रही है, फीरर कॉप्स, उसकी कौन सी किसी कॉप से लड़ाई हुई, बल्कि वो तो वॉर जोन में था, वैन रोहन और वेंचा उसे वेंशु उससे लड़ रहा था, उसे तो ये याद था और उसे अच्छे से याद भी है उसके बाद क्या हुआ था, लेकिन फीयर कॉप्स ये कहाँ से आई। विंग इन्हीं क्वेश्चनों से अब वेंचिंग को देख ही रहा था, जो वेंचिंग सोचती है शायद विंग को कुछ याद नहीं, तो बोलती है, मैं जानती हूँ तुम्हें अभी कुछ याद नहीं आ रहा होगा, वो अटैक बहुत स्ट्रांग था, तुम अपनी थोड़ी याददाश्त भूल चुके हो, लेकिन तुम्हें मैं याद हूँ ना। अचानक से वेंचिंग जब ये बोलती है तो विंग थोड़ा शॉकिंगली वेंचिंग की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं कहीं ना कहीं विंग बहुत समझदार है, वो समझ चुका है कि वेंचिंग उसकी याददाश्त भुलाने या ऐसी कोई बातें कर रही है, तो उसे ऐसे ही प्रटेंड करना चाहिए जैसे सचमुच में वो सब कुछ भूल गया, इसलिए वो साफ ये बोलता है। वेंचिंग एकदम से इस चीज़ को सुन के मन में बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि वो सक्सेसफुल हो गई, उसका स्पेल विंग पे काम कर गया। विंग अगर उसे ही नहीं पहचान रहा तो वांगजी को तो बिल्कुल भूल गया होगा। अब वो एकदम से थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है और बहुत प्यार से विंग के फेस को पकड़ लेती है। विंग को ये टच और वेंचिंग के इस समय का जो एटीट्यूड है उससे थोड़ा वेंचिंग से घबराहट भी फील हो रही है और थोड़ा शक भी हो रहा है। विंग को वो बात भी अभी याद आ रही है जो रान शिचैन ने जब वो वेंचिंग से मिले थे तब विंग को बोली थी कि उसे उन्हें वेंचिंग के सराउंडिंग में कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है। उस समय विंग को तो वो बात भरोसा सा नहीं होता, लेकिन अब विंग को भी सेम नेगेटिविटी फील हो रही है और विंग को अब कहीं ना कहीं शिचैन की उस दिन की बात का समझ भी आ रही है और अब वो वेंचिंग क्या करेगी आगे ये समझना भी चाह रहा है। वेंचिंग अब विंग के फेस को पकड़ के उसके माथे पे किस कर देती है, जिसे विंग को बहुत बड़ा शॉक लगता है। ये किस, क्या वेंचिंग उसे इस तरीके से कभी इमेजिन भी कर सकती थी, उसे यकीन नहीं होता। वो एकदम से अपने हाथ अपने ही चादर में कस के दबा लेता है, जैसे उसे ये चीज़ बिल्कुल अजीब लगी, उसे इतना अजीब लग रहा है कि उसका मन कर रहा है कि वो वेंचिंग को जोर से धक्का मार के दूर करे और बोले कि वेंचिंग तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन वो चुप होके देखता है कि अब आग वेंचिंग क्या करेगी। जो वेंचिंग अपने रोल को प्ले करते हुए बहुत प्यार से विंग के फेस को टच करती है और बोलती है, मैं तुम्हारी अल्फा हूँ, तुम और मैं एक दूसरे के मेट हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे छुप के रहते हैं क्योंकि मेरी फैमिली वैन क्लैन से बिलोंग करती है और वैन क्लैन ने इस समय पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की नाक में दम करा हुआ है। हमारा कल्टीवेशन वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे अपनी एक हैप्पी लाइफ बिताते हैं, तुम और मैं और हमारा प्यारा सा ये बेबी। ये बोलकर वेंची तुरंत विंग के पेट पे हाथ रख लेती है, जिसे विंग को शॉक लगता है। वो आँख खोल के वेंचिंग की तरफ देखता है और बोलता है, बेबी। अब विंग
को ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशन देखकर बेंची बहुत प्यार से विंक पेट को पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, हाँ ये हमारा छोटा सा बेबी है, तुम प्रेग्नेंट हो विंक, विंक तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर इस समय दो लाइफ हैं, तुम एक तुम्हारी और एक हमारे प्यारे से बेबी की, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं तुम्हारे लिए हर्ब्स लाई हूँ, ये पी लो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी बॉडी इस समय थोड़ा वीक फील कर रही है लेकिन जब तुम ये हर्ब्स पियोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ये बोल के वेंजिंग विंग के हाथ में वो हर्ब्स की बॉल रख देती है। वहीं विंग अपने ही शौक में है कि वो प्रेग्नेंट है, शायद यही कारण था कि पिछले कुछ टाइम से सब लोग उसके अंदर कुछ चेंजेस नोट कर रहे थे। उस हिलन ने भी विंग को यही बोला था कि उसे कुछ शक तो है कि शायद विंग प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात दो दिन बाद ही कंफर्म करके बता पाएगा जो प्रॉपर सारे टेस्ट कर लेगा। कहीं ना कहीं इस बात के बाद अब विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो यहाँ प्रेग्नेंट अपने लंजा से दूर है, उसे नहीं पता उसका लंजा कैसा है और वेंजी ये कैसा बिहेव कर रही है, वेंजी उससे इतना झूठ क्यों बोल रही है, वो क्यों विंग को अपना मेट बता रही है, क्योंकि उसका मेट तो सिर्फ उसका लंजा है। लेकिन वो अभी डरा हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी ये लग रहा है कि उसके पास उसकी गोल्डन कोर नहीं है और उसके पास उसका और उसकी लंजा का प्यार, उसकी निशान प्यार की निशानी उसका उनका बेबी है। अगर विंग ने इस समय कुछ भी ऐसा किया जो शायद वेंचिंग को पसंद ना आया तो वेंचिंग उसके और उसके बेबी के लिए एक खतरा बन सकती है। वेंचिंग का ये डॉर कहरा और ये बदली हुई वेंचिंग विंग के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेटन लग रही है। लेकिन विंग अब शांत रहता है और बहुत प्यार से अब वेंचिंग की तरफ देखता है और नाटक करना शुरू करता है। हम मेट हैं, हाँ इस हम मेट हैं, वेंचिंग बहुत खुश होती है। माफ़ करना अल्फा, मैं आपको भूल गया, पर मुझे सचमुच में कुछ भी याद नहीं है, हम मेट कैसे बने और बेबी मतलब मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अलग है और मुझे तो ये केव भी अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों मुझे बहुत नेगेटिविटी से फील हो रही है, क्या हम तो कहीं बाहर चले, मुझे इस केव में नहीं रहना प्लीज़। कहीं ना कहीं विंग बहुत प्यार से वेंचिंग से जब रिक्वेस्ट करता है कि उसे यहाँ नेगेटिविटी फील हो रही है, उसे इस केव से बाहर निकलना है, तो कहीं ना कहीं वेंचिंग उसकी बात को मान जाती है क्योंकि वो विंग को डराना नहीं चाहती और इसके साथ एकदम से कुछ जबरदस्ती नहीं करना चाहती। वो बहुत प्यार से विंग की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ते बोलती है, ठीक है अगर तुम्हें इस केव में अच्छा नहीं लग रहा तो हम बाहर चलते हैं, यहाँ पास में एक माउंटेन भी है, मैं तुम्हें वहाँ लेके चलती हूँ, तुम्हें फ्रेश एयर भी लगेगी और तुम्हें अच्छा भी लगेगा, चलो। ये बोलकर वेंचिंग विंग का हाथ पकड़ के उसे बेड से उठाती है, जिसे विंग अचानक से डिसबैलेंस हो गए पीछे की तरफ बैठ के और घबराते बोलते, मुझे इतना वीक क्यों फील हो रहा है, क्या मेरे पास गोल्डन कोर भी नहीं है। विंग थोड़ा सा टेंशन में ये बात जब वेंचिंग से पूछता है, वो जान पूछ के पूछता है क्योंकि वो वेंचिंग का रिएक्शन देखना चाहता है कि अगर उसके पास गोल्डन कोर नहीं है तो वो उसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मतलब एक होता है ना विंग थोड़ा सा ऑपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो नाटक करते हुए बोला विंग कोई भी डिसबैलेंस नहीं होता और उसे कोई बहुत ज़्यादा वीक फील नहीं होता, वो नाटक से ये करते हुए बोलता है, जिससे वेंचिंग एकदम से बोलते नहीं तुम्हारे पास तुम्हारी गोल्डन कोर है, तुम स्ट्रांग वॉरियर हो, हाँ शायद तुम्हें थोड़ा वीक इसलिए लग रहा होगा क्योंकि दो तीन दिन से तुमने कुछ ठीक से खाया नहीं, तुम जूस पियोगे तुम कुछ सूप पियोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम ये पियो सचमुच में तुम एक स्ट्रांग वॉरियर हो और तुम्हारे पास तुम्हारी गोल्डन कोर है। वेंचिंग जब ये बोलती है तो विंग के हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और उसके दिल में बहुत शार्प पेन होने लगता है और उसे आँखों में आंसू आ जाते हैं। अगर विंग के पास उसकी गोल्डन कोर है तो क्या लंजा बिना गोल्डन कोर के रह गया, क्या वेंचिंग ने उसे धोखा दिया, उसे ऑपरेशन का बोलकर वो यहाँ ले आई और उसके साथ ये नाटक करने लगी, क्या उसका लंजा सरवाइव कर पाया, क्या उसका लंजा ठीक होगा बिना गोल्डन कोर के, उसका लंजा कैसा होगा। विंग ये बात सोचते ही अब बहुत ज़्यादा रो पड़ता है। विंग जो अब तक वेंचिंग के सारे नाटक का साथ दे रहा था अब वो अचानक से गुस्सा हो जाता है, उसके अंदर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पहले खुद को वीक समझ रहा था, यही सोच रहा था कि उसके पास गोल्डन कोर नहीं है शायद इसलिए वो नाटक कर रहा था, लेकिन अब जब उसे पता है कि उसके पास गोल्डन कोर है और अब वो पहले की तरह एक वॉरियर ही है तो वो क्यों इस नाटक का पार्ट बने। वो गुस्से में उस सोप की बॉल मतलब सूप की बॉल को जोर से फेंक के नीचे मारता है और गुस्से में खड़े होकर वेंचिंग को घूरते बोलते हैं, तो मेरा लंजा कैसा है, इस चीज़ से अचानक से वेंचिंग शॉक हो जाती है, लंजा क्या बिल्कुल वांगजी भी अभी भी याद है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, विंग तो सब भूल गया था ना, अभी तो विंग यही बोल रहा था। और वेंचिंग एकदम से परेशान बोलते, तो तुम किसका नाम ले रहे हो, मैं अपने अल्फा का नाम ले रहा हूँ, बंद करो ये नाटक वेंचिंग और सच बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो,
और अगर मेरी गोल्डन कोर मेरे पास है तो तुमने मेरे लंचा के साथ क्या किया? मुझे सच बताओ। मुझे सब कुछ याद है और ये तुम्हारा नाटक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम मेरी दोस्त हो वेंजिंग, तुम पे मैंने कितना भरोसा किया। तुम्हें मैं खुद लैंडक्रेन लेके आया और तुम ये सब क्या कर रही हो? ये झूठ मुझे यहाँ लाना, ये क्या है वेंजिंग? मुझे सच बताओ। अभी गुस्से में जब चीख के वेंचिंग पे पड़ता है तो वेंचिंग अब एकदम से दो कदम पीछे होती है और एकदम से परेशान होते हुए अपने बालों में ही हाथ चलाते कहते, नहीं नहीं नहीं, तुम भूल गए हो सब कुछ। तुम्हें सब कुछ कैसे याद हो सकता है? मैंने तो इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल यूज किया था, मैंने तो सचमुच में तुम्हारी पूरी बॉडी में वो स्पेल लगाया था। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें सब कुछ कैसे याद हो सकता है? तुम सब कुछ भूल जाओ विंग, तुम बस ये याद रखो कि मैं हूँ तुम्हारी अल्फा। तुम और मैं एक हैप्पी लाइफ यहाँ बिताएंगे। तुम मुझसे ये दूर नहीं जा सकते, तुम मुझसे छोड़ के नहीं जा सकते और मुझे इतनी नफरत भरी नज़रों से नहीं देख सकते। मुझे तुम्हारी नज़रों में प्यार चाहिए अपने लिए, जितना प्यार मेरी नज़रों में तुम्हारे लिए। विंग विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग तुमने कहा था ना तुम मेरा साथ दोगे, मेरे साथ रहोगे, तो अब तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? जब तुम और मैं सबसे दूर यहाँ आ चुके हैं तो अब हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे पास रहोगे और मैं तो तुम्हें और तुम्हारी बीबी दोनों को एक्सेप्ट कर रही हूँ ना। मैंने तो तुम्हारे बच्चे को भी कुछ नहीं करा। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ कि मैं उस लांगवांग जी के बच्चे को भी अपना बनाने को तैयार थी। तुम मेरे प्यार को समझो विंग। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वेंजिंग अब एकदम पागलों वाली तरह ऐसे करने लगते हैं जिस देख के विंग पूरा शॉक हो जाता है और एकदम से वेंजिंग की तरफ देखकर थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, क्या हो गया है तुम्हें वेंजिंग? तुम मुझसे प्यार करती हो? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम भूल गई हो क्या मैं लंजा का ओमेगा हूँ? मैं और लंजा मेट है। मैंने उसे मार्क किया है और उसने मुझे मार्क किया है। हम दोनों के बीच में अब कोई नहीं आ सकता। मैं शायद इस चीज़ को समझ जा रही, लेकिन अब जब मैं लंजा से दूर हूँ तो मुझे पता चला कि मैं लंजा को कितना प्यार करता हूँ और इस बार मैं अपने प्यार से दूर नहीं भागूंगा, अपने प्यार के लिए लड़ूंगा और मैं अपने लंजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने मेरी लंजा को हार्म पहुँचाने की कोशिश की है, तुमने मेरी गोल्डन कोर लंजा को दी ही नहीं और तुम अब मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल यहाँ नहीं रहूंगा। अरे बोल के विंग गुस्से में उस वो केव के डोर को बहुत जोर से अपनी पावर से दूर फेंक देता है और एकदम से बाहर जाने लगता है, जिसे वेंचिंग गुस्से में पागल सी हो जाती है और वह विंग के पीछे दौड़ती है और अपनी डार्क एनर्जी से उसको पकड़ने की कोशिश करती है, जिसे विंग एकदम से शॉक हो जाता है और वो उस और से बचता है और गुस्से में विंग वेंचिंग को देखता है और बोलता है, वेंचिंग ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें रोक रही हूँ और अब तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें क्या लगता है इस ब्यूरियल माउंटेन से बाहर तुम जा पाओगे? ये ब्यूरियल माउंटेन अब मेरा है और यहाँ पे सिर्फ अब मेरा राज चलेगा। ना यहाँ कोई आ सकता है और ना ही यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते भी, तुम मेरे पास रहोगे। मैंने तुम्हारी मन की भी इच्छा पूरी करी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि मैं किसी की जान ले सकती हूँ? नहीं भी, मैंने किसी की जान नहीं ली है, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम समझो विंग, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैंने तुम्हारे लंजा को भी एक गोल्डन कोर दी है, तुम्हारी ही गोल्डन कोर। विंग अब शॉकिंगली मैं वेंचिंग की साइड देख रहा है और पीछे खड़े बाकी सब लोग भी। हाँ अब यहाँ पे सब लोग पहुँच चुके हैं। पहले वांग जी उस ब्यूरियल माउंटेन के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब सब लोग यानी वेनी हुसैन, नी मिंजे, लान शिचेन, वांग जी और यानली सब एक साथ उस ब्यूरियल माउंटेन की उस सेफ्टी वॉल पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे टिक नहीं पाती है। हाँ शायद एक कल्टीवेटर से ज़्यादा पावरफुल है वो डार्क एनर्जी, लेकिन सारे कल्टीवेटर जब एक साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करते हैं तो वो वॉल ब्रेक हो जाती है और उस वॉल के ब्रेक होने के तुरंत बाद वो लोग विंग को ढूंढते हुए इस तरफ ही आते हैं। कहीं ना कहीं विंग और वेंचिंग की उस वहाँ से इन लोगों ने बात सुनी जहाँ से विंग मतलब उस केव से बाहर निकला था, तो उस साउंड से जब केव का दरवाज़ा तोड़ के बाहर आया विंग, उस साउंड से सब लोग यहीं पहुँच गए थे। उसके बाद किस तरह से वेंचिंग ने विंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की उस और विंग ने किस तरह से उस अटैक को रोका, वहाँ से सब लोग देख रहे हैं। उस समय ही वांग जी विंग की तरफ दौड़ा पड़ा था ताकि वो विंग को उस अटैक से बचा सके, लेकिन उससे पहले विंग ने ही ये रोक लिया। और अब विंग और वेंचिंग की बात सुन के सब लोग शॉक हैं। दो गोल्डन कोर, एक ऑलरेडी वांग जी के पास है और विंग के पास भी एक गोल्डन कोर है, ऐसे कैसे हो सकता है? इस बात को विंग सोचने ही रहा था कि वेंचिंग एकदम से बोलती है, तुम्हें पता है तुम एक स्पेशल ओमेगा हो। मैंने ये बात तुमसे और सबसे छुपाई थी क्योंकि मैं ये बात अपने अंदर ही रखना चाहती थी।
उस दिन वैन रोहन ने और उस डार्क विच वॉन्ग हुई ने जब तुम्हारे बारे में बात करी थी, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम एक स्पेशल ओमेगा हो। तुम्हारी वजह से ही लैंडक्लैंड में वॉर हुई थी। वो लोग तुम्हें ही लेना चाहते थे क्योंकि तुम्हारे पास दो स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर हैं, एक तुम्हारी और एक तुम्हारी मदर की। तुम्हारी गोल्डन कोर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी और की बॉडी में जाकर उस इंसान को डबल पावरफुल बना सकती है। अगर ऑलरेडी उसके पास गोल्डन कोर हो तो तुम्हारी गोल्डन कोर मिलकर उस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन सकता था जो वैन रोहन बनना चाहता था, लेकिन वो उससे पहले ही मारा गया। और वांगजी की अंदर तुम्हारी गोल्डन कोर इसीलिए एक्सेप्ट हो गई क्योंकि वो पहले से किसी भी बॉडी में एक्सेप्ट हो सकती थी। दूसरा, वांगजी के पास उसकी गोल्डन कोर नहीं थी, अब पर तुम्हारी मिलने के बाद वो एक स्ट्रांग वॉरियर तो बना लेकिन उतना पावरफुल नहीं बन पाया शायद जितना वो पहले तुम्हारी गोल्डन कोर के साथ बन और अपनी गोल्डन कोर साथ मिलकर बन पाता। ये बात बोलते हुए वेंचिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ऐसे विंग को ये बात बता रही है जैसे वो विंग के बारे में विंग से ज़्यादा जानती है। विंग ये चीज़ सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है, तो तुम्हें शुरू से पता था कि मैं अपनी लंजा को गोल्डन कोर दे भी सकता हूँ, उसके बावजूद तुम वो ऑपरेशन नहीं करना चाहती थी, उसके बावजूद तुम मुझे रोक रही थी क्योंकि तुम चाहती थी कि मेरा लंजा दर्द में हो। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानता था, अपनी फैमिली मानता था, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? बेचारा विंग अब इमोशनल होकर जब बोलता है तो वेंचिंग अब घुटनों पर बैठ के जोर जोर से हंसते हुए और थोड़ा रोते हुए बोलते, तो मैं क्या करूं? मुझे भी एक हैप्पी लाइफ चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ एक हैप्पी लाइफ चाहिए थी, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वांगजी विंग क्यों जब अब वेंचिंग को ऐसे पहले थोड़ी देर पहले अटैक करा, अब घुटनों पर बैठ के रो रही है, ये देखकर तो समझ नहीं पाता है वेंचिंग को क्या हो गया। लेकिन इससे पहले विंग वेंचिंग के पास आगे बढ़ के उसे उठाता या बात करता, अचानक से विंग और वेंचिंग के बीच में एक पर्सन आके खड़ा हो जाता है। इसे देख के विंग पूरा शॉक है, ये कोई और नहीं बल्कि वांगजी था जो विंग को वेंचिंग के पास जाने से रोक रहा है। वहीं वांगजी को यहाँ देख के विंग बहुत इमोशनल हो जाता है। वहीं विंग की तरफ नहीं और इस समय वांगजी की सिर्फ पीठ है लेकिन वो वेंचिंग की साइड देख रहा है और इतना ही नहीं वो इशारे में अपने ब्रदर को बोलता है। अब ये सब लोग वेंचिंग को घेर के खड़े हो गए जिसे वेंचिंग शॉकिंगली इन सबको देख कर यहाँ मतलब ये यहाँ आ गए शॉक है। अब लान शिचैन बोलते हैं, वेंचिंग तुम नेगेटिव नहीं हो, ना ही तुम एक गलत इंसान हो, बल्कि तुम्हारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी है वेंचिंग जो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। मैं तुम्हें पहली बार मिलके ही समझ गया था कि तुम्हारे सराउंडिंग में एक नेगेटिव एनर्जी है जो तुम्हारा विंग के प्रति प्यार को ये अपने फ़ायदे के लिए उठा रही है। वो तुम्हें यहाँ पे लाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर धीरे धीरे इस पूरे माउंटेन पे और बाद में कल्टीवेशन वर्ल्ड पे कब्जा करने की कोशिश करेगी। वेंचिंग तुम इस एनर्जी से बाहर निकलो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए बल्कि विंग को तुमको बचाने ही आए हैं। कहीं ना कहीं लानकुरन जब ये बोलता है तो वेंचिंग के अंदर की नेगेटिव एनर्जी बहुत चढ़ जाती है और एकदम से वेंचिंग के हाथ में एक तलवार आ जाती है, वो तलवार जिस बिलियन माउंटेन में ही थी, जिस तलवार को स्पेशली लेने ही ये डार्क एनर्जी आई थी। और अब वो हंसते हुए बोलती है, जिसमें वेंचिंग की आँखें पूरी चेंज हो गई हैं, उसकी नसें अब धीरे धीरे काली होने लगी हैं, बाल हवा में फ्लाई कर रहे हैं और बोलती है, हाँ 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 तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ख़त्म कर दोगे? माना कि ये वेंचिंग एक गलत इंसान निकली जिसे मैंने चूज़ किया, इसकी जगह अगर कोई और होता तो अब तक मेरी पावर को यूज़ करके सबसे पावरफुल बन जाता, लेकिन कोई नहीं यहाँ तक ही ये मुझे ले आई बहुत बड़ी बात है, अब इसका इसकी बॉडी पे कोई कब्जा नहीं होगा, ये मेरी बॉडी है और तुमने सही कहा, अब मैं वो सब चाहूँगा जो मुझे चाहिए, ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड और ये ओमेगा भी, ये ओमेगा जो सचमुच में इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे यूनिक ओमेगा है और ये मेरा ही होगा। ये बोल के वह कहीं ना कहीं वो नाक एनर्जी विंग को देखने लगती है जिससे कहीं ना कहीं अब वांगजी इतना गुस्सा हो जाता है कि अब वो अपनी बीचैन लेकर खड़ा हो जाता है। अब ये सब लोग उस डार्क एनर्जी से लड़ने लगे, यानी वेंचिंग के ही से ही धीरे धीरे उस डार्क एनर्जी सब पे भारी पड़ रही थी, लेकिन जब विंग और वांगजी एक साथ उससे लड़ते हैं तो वो वीक फील करती है। ये गोल्डन कोर अलग हैं पर एक साथ कनेक्टेड हैं, इसी कारण इनके अंदर स्पिरिचुअल पावर सबसे ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ इतने स्ट्रॉन्ग हैं
कि अब ये डार्क एनर्जी उसके आगे कुछ भी नहीं है। वेंग और वांग जी वेंचिंग को घायल नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। फाइनली वेंचिंग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। वेंचिंग घायल है और बेहोश पड़ी हुई है, जिसे तुरंत नीमेंजे और नी हुसैन अपने साथ अपने क्लैन ले जाने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वेंचिंग के अंदर की अब वो डार्क एनर्जी तो नष्ट हो गई है, क्योंकि वांगजी और विंग ने उसे नष्ट कर दिया, लेकिन वेंचिंग बिना डार्क एनर्जी के बहुत कमज़ोर है। शायद वो अब पहले वाली तरह स्ट्रांगली तो अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन वो फिर भी कोशिश करेंगे ताकि वेंचिंग बच सके। ये सब कुछ होने के बाद अब वांगजी और विंग एक दूसरे को देख रहे हैं इस गंदे से ब्यूर माउंटेन में, जहाँ पे इतनी अजीब सी नेगेटिविटी है। उसके बावजूद भी इन दोनों की आंखों में बहुत पॉजिटिविटी और बहुत प्यार है। वांग जी अब अपनी बेचैन को दूर फेंक के दौड़ के विंग को गले लगा लेते हैं। वहीं विंग भी वांग जी को कस के गले लगा लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक ऐसे ही गले लगाए रखते हैं। अब विंग वांग जी से थोड़ा दूर होता है। विंग की आंखों में आंसू है और आज शायद वांग जी भी सबके सामने रो रहा है। इन दोनों की आंखों में आंसू है जब वांग जी अपने कांपते हुए हाथ से विंग के फेस को टच करते हैं और उसे देखने लगते हैं। उसकी आंखों में कितना डर था। कुछ समय पहले तक उसे लगा था कि उसका विंग इस दुनिया में नहीं रहा, फिर उसे पता चला कि उसके विंग को ये वेंचिंग यहाँ उठा लाई। कितना डर था उसके मन में कि क्या पता वो अपने विंग को पहले की तरह टच ना कर पाए, अपने विंग को पहले की तरह प्यार ना कर पाए और अपने विंग को ये सच भी ना बता पाए कि वो अपने विंग को कितना प्यार करते हैं। अवेन विंग और वांग जी एक सेकंड नहीं लगाते और दोनों दुख के मुँह से एक साथ निकलते हैं आई लव यू, जिसे दोनों अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सेम डर विंग के अंदर था। विंग भी उतना ही डरा हुआ था। उसे भी लगा था कि कहीं उसका लंजा उसे अलविदा ना कर गया हो। जब उसे पता चला कि वेंचिंग ने उसकी बॉडी से गोल्डन कोर निकाली ही नहीं या उसकी बॉडी में भी एक गोल्डन कोर है, तो उसको डर गया था कि उसका लंजा कहाँ होगा या क्या पता वो अपने लंजा को बता भी ना पाया कि वो अपने लंजा से कितना प्यार करता है। वो उसी डर से सबसे पहले वांग जी से मिलते ही अपनी फीलिंग्स ही बताते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को शौक है। अब सबसे पहले वांग जी ही जो शायद हमेशा कम बोलता है, अपने ऊपर कंट्रोल ना करके दोबारा से विंग के दोनों मतलब फेस को अपनी साइड करके उसके लिप्स को कैप्चर करके किस पैशनेटली किस करता है और फिर एक दूसरे के माथे को टच करते हुए इमोशनल होते हुए बोलते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो विंग? तुम मुझे अपनी गोल्डन कोर दे दी, क्या होता अगर तुम्हारे पास दूसरी गोल्डन कोर ना होती? तुम इस समय कैसे सर्वाइव करते मेरे बच्चे के साथ? तुम कैसे सब कुछ करते? कहीं ना कहीं वांग जी डर गया कि उसे पता चला कि उसका विंग कितने उसको अपनी गोल्डन कोर देने तक को तैयार हो गया। अगर सचमुच भी गोल्डन कोर विंग के अंदर ना होती तो क्या होता विंग का? वो बातें वांग जी को डर में और दर्द में महसूस करवा रही, जिसे वांग जी को अब आंसू पूछते हुए विंग हल्का स्माइल करते हुए बोलते हैं, मैं सर्वाइव कर जाता लंजा, क्योंकि मुझे पता होता तुम मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास हो, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा लंजा मुझे इतना प्यार करता, इतना ध्यान रखता कि बिना गोल्डन कोर के भी मैं सब कुछ कर लेता। लंजा मुझे सचमुच में नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर अब जब मुझे पता है कि मेरे पास तुम्हारी और अब मेरी प्यार की निशानी है, तो अब मैं बहुत खुश हूँ लंजा। मैं खुश हूँ कि मेरा लंजा एकदम स्ट्रांग एक गोल्डन कोर के साथ स्ट्रांग वॉरियर है और मेरे पास एक प्यारा सा बेबी है और शायद एक गोल्डन कोर भी। लंजा शायद मैंने तुमसे पहले जितने लोगों पे भरोसा किया उन्होंने सिर्फ मुझे दर्द दिया, लेकिन तुम वो पहले इंसान थे जिसने सिर्फ मुझे प्यार दिया, मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की, सिर्फ साथ दिया और प्यार दिया। अगर मैं तुम्हें एक बार अपनी गोल्डन कोर दे भी देता तो तुम्हारे उस प्यार के सामने वो कुछ भी नहीं थी। कहीं ना कहीं विंग जब ये बात बोलता है तो वांग जी फिर से विंग को पैशनेटली किस करने लगता है और बोलता है, तुम हमेशा से मेरे ओमेगा हो, तुम मेरी लाइफ की हैप्पीनेस हो, तुम मेरी दुनिया हो विंग। तुम्हें क्यों लगा था कि मुझे अपने प्यार के बदले तुमसे कुछ चाहिए? मुझे अपने प्यार के बदले तुमसे कुछ नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए था, तुम खुश रहो ये चाहिए था। आई लव यू विंग। विंग और वांग
जी अब पागलों की तरह यही बेयर माउंटेन में बिना ये नोटिस करे कि बाकी सब लोग अब इनके इस लव कन्फेशन को देखकर कहीं ना कहीं खुश भी हो रहे हैं और कुछ लोग वो भी बना रहे हैं। वो अभी भी यहाँ खड़े हुए एक दूसरे से गले लगे हुए कभी किस कर रहे हैं, कभी अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और अब फिर से किस करने लगते हैं। तो अपनी हुसैन इरिटेट होकर कहता है, गेट देम अ रूम गाइस, यहाँ से बाहर निकलो, मुझे यहाँ नेगेटिव एनर्जी अच्छी नहीं लग रही और तुम दोनों लव बर्ड जाओ अपने लाइन क्लैन। यार ये बोल के नी हुसैन गुस्सा होता हुआ उन दोनों को होश में लाता है। जैसे याली ब्लश कर रही है वहीं नी मिंजे भी इरिटेट हो रहे थे, वहीं शिजैन को नी हुसैन का इनको रोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि शिजैन तो बहुत इंजॉय कर रहे थे हमारे लव बर्ड्स को प्यार करते हुए एक दूसरे की फीलिंग एक्सप्रेस करते थे और शिजैन को तो हमेशा इन दोनों को साथ में रखना और देखना बहुत पसंद है। तो वो तो इरिटेट होते हुए अब नी हुसैन को घूरते हैं और पर एकदम से बोलते हैं, वांग जी हमें भी इनको लैंड प्लेन ले जाना चाहिए, वैसे भी वो प्रेग्नेंट है और पता नहीं हम कितने टाइम से इस नेगेटिव एनर्जी के सराउंडिंग में हैं। कहीं ना कहीं जब ये बात अब शिजैन बोलते हैं तो वांग जी भी ये बात समझते हुए बिना मौका गवाए इनको ब्राइडल स्टाइल में ही उठा लेते हैं, जिसे देखकर अब नी हुसैन फिर से अपने सर पे हाथ मारता है और शिजैन के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वांग जी एक सेकंड ही लगा था इनको ऐसे ही ब्राइडल स्टाइल में अपनी बेचैन से फ्लाई करके ले जाने में, वो इतना खुश और एक्साइटेड है विंग को सेफली उसके घर लायन क्लैन ले जाने के लिए और उतने ही खुश हम लोग हैं विंग और वांग जी के प्यार से और आज आज का पार्ट यही रोकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट शायद लास्ट पार्ट भी हो सकता है या हो सकता है मैं दो पार्ट और रहा हूँ क्योंकि अभी स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है।